इस समय स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, एक रिवायत की तरह बच्चों के लिए अब कहीं बाहर घूमने का अवसर है। ज़्यादातर बच्चे अपनी नानी के घर जाएंगे। यही एक सवाल मन में आता है कि आम तौर पर ऐसा क्यों होता है कि लंबी छुट्टियों में बच्चों को नानी का घर पसंद आता है। आखिर यह चुनाव दादी का घर भी क्यों नहीं होता है? बुआ, बहन या कोई अन्य रिश्तेदार का भी घर हो सकता है, मगर बच्चों को तो मानो किसी ने कान में फूंक दिया गया है कि उन्हें नानी के ही घर जाना है। हालांकि ऐसे भी तमाम बच्चे हैं जो छुट्टियों में अन्य विकल्प आजमाते हैं, जिसमें वे कोई अन्य कौशल सीखने पर जोर देते हैं। किसी को छुट्टियों में नानी के घर खेलने कूदने में आनंद आता है, तो कुछ बच्चे रचनात्मक कार्य सीखने में वक्त बिताते हैं। छुट्टियों में नानी के घर गए बच्चे मामा मौसी के बच्चों के साथ खेलते हैं, तो उन्हें अपनी दुनिया करीब लगने लगती है। यह शहरों महानगरों में एक तरह से एकाकी होते समय में अपना स्थान खोजने की कोशिश होती है और मिल जाने पर खुश होकर झूमने की स्थिति होती है। यों भी गर्मी का मौसम आम तौर पर छुट्टियों के साथ साथ शादी विवाह का भी होता रहा है। इस समय कई बार ज़्यादातर लड़कियां अपने मायके पहुंचती हैं। सबके पहुंचने का वक्त आम तौर पर एक ही या आसपास होता है। वह भी दूरी के कारण यह समझना मुश्किल है कि इस तरह की जुटान बच्चों की नानी के घर या फिर बेटियों के मायके के अलावा कोई और थोर क्यों नहीं होता है। यह हो सकता है कि कोई महिला अपने मायके से चूंकि संवेदना के साथ जुड़ी होती है और वहाँ से सीधा जुड़ाव भी इस रूप में बना रहता है कि नाना नानी अपनी बेटी से मिलने जब उसके ससुराल पहुँचते हैं तो बच्चों के साथ भी उनका जुड़ाव थोड़ा घना हो जाता है। इसलिए बच्चे भी मौका मिलते ही नाना नानी के घर जाना चाहते हैं, मगर फिर यह लगता है कि इस तरह का संवेदनात्मक जुड़ाव अन्य रिश्तेदारों के साथ क्यों नहीं हो पाता है, जबकि अभी आपस में एक दूसरे के साथ आम तौर पर समान स्तर पर जुड़े रहते हैं। ज़रूरत के समय या अन्य मौक़ों पर एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटते रहते हैं। बहरहाल पहले जब सब बच्चे नानी के घर जुटते थे तो ज़रूरत के हिसाब से खाना बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन निकाले जाते थे, जो किसी कमरे में जमा करके रखे गए होते थे।
स्टॉप।